नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात देते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, उद्घाटन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने प्रधानमंत्री की सराहना की। दिल्ली से देहरादून चलने वाली ट्रेन जैसे ही गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर रुकी, ट्रेन के रुकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत करते हुए जमकर वंदे मातरम, भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए। कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें जीतने का दावा किया है। आपको बता दें, विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ने ऐसी बस्ती में महाभोज भी किया। मंत्री ने बस्ती का निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने आम जन तक पहुंच बनाने के लिए जिले में अपने मंत्रियों को भेजना शुरू कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के सवाल पर बृजेश पाठक ने कहा कि 2024 में बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। सभी विभागों की वेदवार समीक्षा हुई है और केंद्र प्रदेश के जो योजनाएं थी उनका स्थलीय निरीक्षण किया है। कन्नौज को सर्वश्रेष्ठ नवनिर्मित जनपद के रूप में विकास के मामले में और कानून व्यवस्था के मामले में स्थापित करना है। कन्नौज ऐतिहासिक नगर है और कन्नौज से हम लोगों का विशेष लगाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विशिष्ट जिला भी है। हर स्थिति में हम कन्नौज को बेहतर से बेहतर जिला बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो समीक्षा की है उसमें कुछ त्रुटियां मिली हैं, उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। फरुखाबाद में युवती ने सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छोटे भाइयों के साथ मेला देखने गई थी युवती। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि फरुखाबाद से सामने आ रही है। युवती के द्वारा एक सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। छोटे भाइयों के साथ मेला देखने गई थी युवती। आपको बता दें, डीएम को प्रार्थना पत्र देकर युवती के द्वारा न्याय की गुहार जो है लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि फरुखाबाद से सामने आ रही है। फरुखाबाद में एक युवती ने सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि छोटे भाइयों के साथ मेला देखने गई थी युवती। डीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रही है युवती। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि फरुखाबाद से सामने आ रही है। एक युवती के द्वारा सिपाही पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। मेला देखने गई थी, मेरे साथ जैसे एक जितेंद्र कांस्टेबल था, उसने मेरे साथ हरकत की, मेरा दुपट्टा खींचा। इससे मेरे भाई शिवम ने देख लिया और उसने कहा सुनी हुई तो उन्होंने गालियां देने लगे और मेरे चारों दो भाई और दो बहन की लड़के को थाने कोतवाली लेकर आए और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से पीटा। एक के आँख से दिखाई नहीं दे रहा, एक माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब। दिनांक 6/5/2023 को थाना कायमगंज के ग्राम खजुलिया में शमशेर दादा की मजार पर मेला लगा हुआ था। इस मेले में सचिन, शिवम, अंकित, अभिनव, समस्त निवासी गण ग्राम खजुलिया व गौरव पुत्र रमाकांत निवासी गुहार नगला थाना कायमगंज के बीच विवाद हुआ था, जिसमें खजुलिया निवासी चारों युवकों द्वारा गौरव से मारपीट की गई थी। गौरव की तहरीर पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित धारा थाना कायमगंज पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वह दो बालिक अभियुक्तगण का चालान 151 CRPC में किया गया था।
बस्तर जिले के नगर थाना क्षेत्र के महारीपुर में बाइक और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों की पहचान अभिषेक, कुलदीप और अरविंद सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार तीन युवक गणेशपुर से नगर जा रहे थे, वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सात बजे सूचना प्राप्त हुई कि महरीपुर और बिलाड़ी पुल के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कलवारी और थानाध्यक्ष नगर मौके पर गए। वहाँ पर एक स्कूटी और बाइक में गंभीर टक्कर हुई, जिसमें से तीन सवार थे बाइक पर और दो सवार थे स्कूटी पर। सभी इंजर्ड को तत्काल यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बाइक सवार दो लड़कों को और स्कूटी सवार एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है और जो इंजर्ड है उनका इलाज हो रहा है। वो गाड़ी से आते, गाड़ी लग रही। कौन सी गाड़ी से तुम थे? कहाँ से आ रहे थे तुम? गणेशपुर। कहाँ जाना था आपको? नगर। अच्छा, कितने लोग बैठे थे गाड़ी? तीन। और सामने जिस गाड़ी से लड़े उसपे? ध्यान नहीं, वो चला था, मैं पीछे बैठा था, एकदम पीछे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहपुर से। आपको बता दें कि खागर नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। गीता सिंह तीसरी बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ लेंगी। बीजेपी से लगातार तीसरी बार जीती है नगर निकाय का चुनाव। शपथ ग्रहण समारोह का हुआ शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि फतेहपुर से सामने आ रही है। खागर नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें गीता सिंह तीसरी बार नगर पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार जो है तीसरी बार यहां से नगर निकाय का चुनाव जीती है। तो फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जो कि खागर नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है और आयोजन में जो भारी भीड़ जो है लोगों की देखने को मिल रही है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और अतिथिगण भी जो है इस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आयोजन की कि किस तरह से जो है भव्य स्टेज का जो है आयोजन किया गया है और महिलाओं की भी जो है भारी भीड़ जो है इस आयोजन में देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दें कि यहां से बीजेपी तीसरी बार जो है नगर निकाय का चुनाव जीती है। अब रुक करते हैं झांसी का। झांसी में बेतवा नदी पर नहाने गए दो किशोरियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। वह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के रहने वाले थे, घर से दूर टेंट लगाने के लिए आए हुए थे। वहीं आपको बता दें वहां से नदी में नहाने गए तो हादसा हो गया। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाबालिग लड़कों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महोबा से। आपको बता दें पेट्रोल पंप में अचानक से आग लग गई। भीषण गर्मी के बीच पेट्रोल पंप में लगी आग, आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि महोबा से सामने आ रही है। महोबा में पेट्रोल पंप में एक भीषण आग लग गई, जहां जो अधिक गर्मी के कारण जो है आग लगने का कारण बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें अग्निशमन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सुभाष चौक स्थित श्री कृष्णा पेट्रोल पंप का यह मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महोबा में पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। तो आप ये देखिए कि ये तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आग की चपेट में पेट्रोल पंप आ गया। हालांकि आपको बता दें कि अग्निशमन और अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं कोई ज्यादा नुकसान होने की भी जो खबर है अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं आग लगने का कारण जो है भीषण गर्मी बताया जा रहा है।
रामपुर में कई स्थानों पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा जीएम के निर्देशों पर नमूना अभियान चलाया गया है, जिसके तहत दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। वहीं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य खराब वस्तुओं को मार्केट में बिक्री से रोकना था। वहीं खराब वस्तुओं की बिक्री करने वालों पर कानूनी डंडा चलाने की कार्रवाई से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य विभाग की टीम के द्वारा की गई इस कार्रवाई से मार्केट में हड़कंप मच गया और वहीं कई स्थानों से खाद्य पदार्थों के लिए लिए गए नमूनों को सील करने के बाद इसके गुणवत्ता की जांच के लिए लैब जो है वो भेज दिया गया। जी, चूंकि अब ये गर्मी का सीजन आ रहा है और इस समय दूध की थोड़ी प्राकृतिक रूप से शॉर्टेज हो जाती है, तो दूध में मिलावट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे और नगर मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश पर विगत दो दिन से मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसमें कुल दूध के 6 नमूने, एक दही का नमूना और एक खोए का नमूना लेकर सील मोहर पर जांचे थे। गौशाला भेजा गया है। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नगर पालिका परिषद बांसी से समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष चमन आर आर रायनी के शपथ ग्रहण समारोह के छपे बैनर में सपा जिला अध्यक्ष सहित सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम और फोटो नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा बीजेपी सांसद और बीजेपी विधायक के साथ में फोटो लगाकर बैनर को वायरल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। आपको बता दें, डॉक्टर ने इंसानियत को किया शर्मसार, दवा लेने गई किशोरी से छेड़छाड़। फार्मेस्ट राजीव शुक्ला ने किया यह कुकर्म। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रही वायरल। वहीं आशा सानगिनी से भी कर चुका है अश्लील हरकत। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं की गई कार्रवाई। तो आपको बता दें कि सीएचसी अधीक्षक ने संज्ञान में इस मामले को लिया है जांच के बाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में एक डॉक्टर के द्वारा एक किशोरी के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आपको बता दें कि दवा लेने के लिए किशोरी गई थी डॉक्टर के पास और जिस दौरान जो है डॉक्टर के द्वारा इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया और किशोरी के साथ जो है छेड़छाड़ की गई। वहीं आपको बता दें कि यह ऐसा पहली बार नहीं है जब डॉक्टर के द्वारा इस तरह की हरकत जो है सामने आई है। बताया जा रहा है कि पहले भी डॉक्टर की जो है ऐसी शिकायतें जो है पहले भी सामने आ चुकी हैं। आरोपों की विधिक जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो है इनके खिलाफ आरोपी खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी पीड़ित पक्ष का जो है उसका नहीं संपर्क हो पाया है, जांच उपरांत जो है इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की। औरैया के बिथुना अच्छलदा मार्ग में पीडब्ल्यूडी कर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रहा था। उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने पीडब्ल्यूडी कर्मी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, घायल को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज शाम करीब 8 बजे दिनांक 25 मई 2023 को 108 एम्बुलेंस द्वारा कुंवर सिंह पुत्र श्रीराम साकिया, जिनकी उम्र लगभग 59 वर्ष थी, जो कि निवासी सकरावा मणा थाना छल्ला अंतर्गत आता है ये गांव, ये गंभीर हालत में लाए गए थे। तो मैंने इनका परीक्षण किया तो ये में कोई भी लाइव सिम्टम्स नहीं थे, ये ब्रॉड डेड अवस्था में लाए गए थे। इसकी सूचना मैंने संबंधित थाने को पुलिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा भेज दी गई।
बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप का खामियाजा गोवंशों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि लखनऊ क्षेत्र के काकोरी में बने गौशालाओं में गोवंश इस चिलचिलाती धूप में तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। बता दें कि करीब 200 से ज्यादा गोवंश पर एक ही लेबर काम करती है, जिसके चलते गौशालाओं की साफ सफाई नहीं हो पा रही है और धूप में बीमार पड़े हुए गोवंश को छाया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही उन्हें समय से भरपेट भोजन मिल पा रहा है, जिसके चलते चिलचिलाती धूप में गोवंश बेहद ही बुरी तरीके से तड़प रहे हैं। तो आपको सीधा रुक करते हैं मैनपुरी का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज हम सब के लिए एक भावुक क्षण भी है और एक ऐसा क्षण भी जब भारत माता के एक महान सपूत को हम स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी, ऐसे सीमंत माधवराव सिंधिया जी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, बहुत समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो, राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति हर मत हर वजह हर संप्रदाय हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से जगह से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे तमाम मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबका भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी मैं, जिनका श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सबका भी मैं आज मैनपुरी की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं के हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके
उनके सानिध्य में उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है वो शामिल हुए। आपको बता दें जो माधवन राय सिंधिया जी हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे और एक दुर्घटना में उनका जो है निधन हो गया था और जिसको लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। चलिए अब सीधा रुख करते हैं कानपुर का जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार नगर विमानन एवं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का भी स्वागत जोरदार तालियों से करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान की धरती कानपुर में कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल इनक्लेव के उद्घाटन के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस ऐतिहासिक पल में हमें माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नगर विमानन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी का सानिध्य और सामिप्य मिल रहा है। साथ ही मंच पर आसीन है हमारे बहुत सारे सम्मानित मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय अधिकारीगण और माननीय जनप्रतिनिधिगण। हम उन सब का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज जिस नए सिविल इनक्लेव का उद्घाटन हो रहा है उससे यात्रियों को तो सुविधाएं मिलेगी ही, उत्तर प्रदेश के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। और अब बारी है अधिकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।